आप देख रहे हैं वीएस नेशन। वीएस नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर यास्मीन शेख ने अंधेरी ईस्ट हॉलिडे इन में रखा डायनामाइट अवार्ड और डायनामाइट बिगेस्ट मॉडल नाइट, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी आए और बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस हुई और ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी हुआ। इसी शो में कई लोगों को अवार्ड भी दिए गए, जिनमें एक अवार्ड ब्यूटिशियन सोनिया पंजाबी को दिया गया। आइए उनसे बात करते हैं, उनको कैसा लगा ये अवार्ड पाकर। जब भी हम कोई काम करते हैं, जब तक का वो परफेक्ट नहीं होता है, हारना नहीं चाहिए। एक औरत के लिए कोई भी चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके इधर तक का पहुँची हूँ। और जब मेरे से कोई काम परफेक्ट होता है, कोई मेरी तारीफ करता है, तो वो दिल से खुशी होती है कि मैंने कुछ किया है। इसलिए तो मैंने कहा दिल सबके पास होता है, दिल वाले बहुत कम होते हैं। थैंक यू सोनिया जी। यस, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मेरी एकेडमी है, मेरी एकेडमी में हर चीज़ से होती है, जैसे मेकअप से लेके हेयर एक्सटेंशन से लेके नेल एक्सटेंशंस। और स्टूडेंट्स हैं मेरे, और इंस्टाग्राम पे मतलब मेरा पेज चलता है, जिसके जरिए मेरे स्टूडेंट्स और मेरे क्लाइंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं। तो सोनिया जी, कैसा लग रहा है ये अवार्ड पाकर आपको? मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी यास्मीन जी को, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना है। ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है जो आज मुझे मिला है। तो आगे आने वाले अब ब्यूटिशियंस को क्या राय, क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगी? आप इस मुकाम पर पहुँची हैं, तो वो इस मुकाम तक कैसे पहुँच सकती हैं? मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, सिंगल पेरेंट होकर अपने बच्चों को संभालना, अपनी फैमिली संभालना और अपनी अकेडमी देखना, अपने क्लाइंट्स को देखना, बहुत स्ट्रगल है। पर जब भी मुश्किलें आती है लाइफ में, हारना नहीं है, दबकर बैठना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जैसे मैंने अपनी लाइफ को अपना एक करियर बनाया है, वैसे आप लोग भी अपना करियर बनाइए। चाहे वो एक हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमन हो, सबको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अपने जिस चीज़ में उनको दिलचस्पी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सिंगल पेरेंट्स होने के लिए क्या क्या परेशानियाँ आई आपको यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, अकेले रह के बच्चों की देखभाल करके और अपनी अकेडमी संभालना, बहुत सी मुश्किलें आई। मैं बच्चों को मतलब उनको अरेंज करना या फिर मेरा शेड्यूल अरेंज करना, बहुत सी मुश्किलें आती थी। पर मैं उन मुश्किलों को देख कर डरी नहीं, कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मुझे मेरा और मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाना था और अल्लाह ने आज इस मुकाम पर नवाजा है। धन्यवाद दिया स्टेशन से बात करने के लिए। थैंक यू। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।